मैं हूं नेहा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं लोकल रिपोर्टर। बांदीकुई क्षेत्र के गांव डुडकी के लोगों ने रास्ता जाम कर राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री नहीं देने पर कार्रवाई की मांग की। डीलर की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रास्ता जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर कोलवा पुलिस ने मौके पर पहुंच संबंधित अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन देकर रास्ता खुलवाया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नसरजी बाग हाय हाय, नसरजी बाग हाय हाय, नसरजी बाग हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डुड़की की हम महिलाएं, हमारे साथ में आती हैं, कोई मोड़ हो जाते हैं, कोई बेगा हो जाते हैं, हमसे जो बहुत परेशान है। 15 मीटर पड़ता है, बीच में नंदी पड़ती है, नड़ा पड़ता है, ये बहुत परेशान था जो, इसलिए हमारे गाँव मदना चाहिए जी। मीटर पड़ता है खुड़की से, और हम यहाँ आते हैं, बहुत परेशान है, बोलो ज्यादा तो 10 किलो दे रहे, बीच भी बंद कर दिया, मिले कौन आधा गाँव ने, आधा गाँव ने तो कोई मिला, पहले का आपके मिल रहे थी। क्या मामला है सर? ग्राम चौबड़ी वाला के ग्राम तुड़की में लगभग 400 राशन कार्ड है, जिनको 15 किलोमीटर गुडकला होकर के जक्सोली स्टैंड पर भी आना पड़ता है सामग्री लेने के लिए। उसके बावजूद 10-20 ऐसे गरीब आदमी जो बुजुर्ग आदमी है, उनको तो वापस से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगर महिला सीधी क्रॉस करती है तो बीच में नदी और जंगल पड़ता है, इसलिए उनकी सुरक्षा नहीं है, वो जा नहीं पाती है, उनको भय है, डर है। इसलिए प्रशासन से लगभग 3-4 साल से इस चीज की मांग करते आ रहे हैं कि इनकी खाद्य सामग्री है जो उसके गांव तुड़की में दी जाए, उसके ग्राम पंचायत में दी जाए, लेकिन प्रशासन आंख बीच करके बैठा हुआ है, इनकी समस्या सुन नहीं रहा है। इसलिए परेशान होकर के, मजबूर होकर के आज प्रशासन को चेतावनी देने के लिए, रोड पे प्रदर्शन करने के लिए सारे महिला पुरुष यहाँ पर आए हैं। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आगामी जो मिलने वाली सामग्री है इनके ग्राम में नहीं मिली तो हम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे, कलेक्टर के आगे धरना देंगे, ऐसे मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ। और मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ, इसका हमको 7 दिन में लेटर नहीं मिला, आदेश नहीं मिला, तो हम कलेक्टर के आगे जाकर के धरना देंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ